हेलो माय डियर सैजिटेरियस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, मतलब आपका जो पूरा का पूरा भाग्य है, किस्मत है, वो डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है आगे आने वाले टाइम में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक चीज़, जस्ट लाइक हेल्थ हो गया, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस एंड अवेयरनेस भी पता चलेगा कि किस किस चीज़ से अवेयर रहना है, किस किस चीज़ से बच के रहना है और किस किस चीज़ों को करना है, अब कर लेना चाहिए। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एन इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एन इंस्टा आई डी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने से है आप लोग अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप लोग जो है अपनी पर्सनलिंग बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली बुक कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये कार्ड्स मैंने दिए हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए और भी कार्ड्स मैं ले लूँगी। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका कार्ड द बेस्ट इज़ येट टू बी, गुड थिंग्स हैव हैपन बट इवन बेटर थिंग्स विल बी ओके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में आप सभी लोग, ठीक है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं डोंट लुक टू द वर्ल्ड टू गिव यू एन आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आप इधर उधर मत दिखिए, आपको वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने ऊपर वर्क करने लगेंगे, एकदम जेन्युइन पर्सन हो जाएंगे, किसी को मतलब भाव देंगे नहीं, जैसे हो वैसे आप शो करेंगे ना, उस टाइम से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। और गुड थिंग्स अभी तो हुआ है नहीं आपके लाइफ में, अब होने वाला है, अब शुरुआत होगी। 8 दिनों के अंदर या फिर 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग बदलाव आया, एंड डेफिनेटली रीडिंग को देखने के बाद तो और भी चेंजेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको थोड़ा मेंटली मैं स्ट्रांग होते हुए देख पा रही हूँ, मतलब ऐसा है ना कि यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं डोंट लुक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू अप्रूवल, ठीक है, फॉर अप्रूवल, मतलब आप जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स की ओर मत देखिए। आप उस एज में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। सेट योर ओन गोल्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर बिलीव रखिए और अपने गोल पे वर्क करना शुरू कीजिए। मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने गोल सेट कर लिया है लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मुझे करना चाहिए या नहीं, मुझे फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, मुझे फैमिली से पूछना पड़ेगा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लीजिए और साथ साथ अपने ऊपर भरोसा कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो थिंकिंग है या फिर अभी आपका जो प्लानिंग चल रहा है या फिर किसी के साथ सेटल होने का, शादी करने का या रिलेशन में आने का या कहीं जाने का, फॉरेन शिफ्ट होने का डर बहुत है आपके मन में, उस डर को ख़त्म कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको डाउन फील करने की कोशिश करेंगे, डाउन फील कराएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपका साथ छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके लाइफ में यूनिवर्सल गिफ्ट्स बहुत सारे आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, आपकी डेस्टिनी आपके तरफ लेकर आएगी, आपके डेस्टिनी में बहुत सारा सक्सेस लिखा है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा पहले था कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे लेकिन अब कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर बिलीव रख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं बिलीव दैट यू विल मेक इट वन डे, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बार बार ट्राई किए हो लेकिन हार गए और आप अब इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बिलीव करो, ठीक है। तुम जिसके लिए मेहनत कर रही हो या फिर जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो डेफिनेटली पूरा होगा। अब मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले इस रीडिंग को सभी लोग देख रहे होंगे। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ बहुत ही मिस्टीरियस आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरने वाली है, साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे न्यू पाथ की ओपनिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। सो टेक अ चांस, एक तरीके से कहा जा रहा है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यस, आप रिस्क भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, देन उसके लिए बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, वो है अचीवमेंट का। फोकस ऑन वॉट मेक्स यू विक्टोरियस, आपको पता है कि यही चीज़ मुझे आगे लेकर जाएगा, ये जानते हो आप, लेकिन फिर क्यों किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत है, ठीक है। किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत मत कीजिए, बस अपने ऊपर भरोसा कीजिए, वर्क करते चले जाइए। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अवॉइड कीजिए गॉसिप्स एंड ड्रामा,
ठीक है, लेट गो ऑफ थिंग्स यू कैन कंट्रोल, ठीक है, अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए. मतलब दूसरों से कंपेयर करना हो गया हो, किसी को कंट्रोल करना हो गया हो, ठीक है, या फिर ये भी है कि आप किसी के साथ बैठ के गॉसिप ये सब मत कीजिए, ये सब ड्रामा वगैरह, ये सब चीज़ों से बच के रहना है, ना करना है, ना आपको खुद देखना है, इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करना है, ठीक है. अब देखते हैं आपके लाइफ में और क्या जो है डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है. जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एनिस्ट आईडी के थ्रू. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्ट आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है. दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ, रिलेशन, कुछ भी हो. सबसे पहली बात मैं बता देना चाहती हूँ कि रेड सन की एनर्जी है, मतलब आप थोड़ा फेथ रखिए और पेशेंस रखिए, ठीक है. किसी और के ओपिनियन, बैड ओपिनियन जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसको इग्नोर कीजिए, फेथ रखिए, पेशेंस रखिए. आपकी लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक नीड्स है वो भी पूरे होंगे. जो बेसिक नीड्स है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीना, अपना घर हो, अपना लाइफ हो, अपना जॉब हो, वो चीज़ भी आपका बहुत ही जल्दी पूरा होगा. देन उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू. आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तो डेफिनेटली उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में बेटर टाइम अहेड. अभी जैसा भी लाइफ जी रहे हैं उससे बेहतरीन लाइफ आपका होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए. और निगेटिविटी विल बी रिमूव. अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, वो चीज़ आपके लाइफ से ओवर होने वाला है. सो मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.